हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का वीडियो ना बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ना आज मैं कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक देखिए। ये वीडियो होने वाला है हमारा प्यारा कलाहंडी उत्सव का, मतलब एक फेस्टिवल, हमारे कलाहंडी का सबसे बड़ा फेस्टिवल। जनवरी के महीने में ना इसका सबको इंतजार रहता है बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस फेस्टिवल में ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इसलिए ना गाड़ी वगैरह को जाने नहीं देते, तो इसलिए हमने रास्ते में ही गाड़ी रोक दी। लगभग हम ना आधा किलोमीटर चलते हुए गए थे। और ये देखिए, ये फेस्टिवल के लिए जाने के लिए पहला गेट है, उसके थोड़ी देर बाद और एक गेट आएगा, और फिर आएगा और एक गेट, और उस गेट से होके सब जाते हैं फेस्टिवल के अंदर। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, और अंदर इतना कुछ देखने को आप सबको मिलेगा कि क्या ही बताऊँ, मैं तो सब कुछ देख भी नहीं पाई थी। फेस्टिवल के अंदर जाने के बाद ना ये सबसे पहला स्टॉल था जिसका ना मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन वो आंटी आ गए बीच में तो मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आगे आगे देखिए, अभी तो देखने को बहुत कुछ है। और ये ना कुछ मैं नमकीन देख रही थी, खरीदना तो नहीं है लेकिन वीडियो बनाना है इसलिए देख रही थी। आप लोग गलत मत समझना, मैं नहीं खाती इसलिए मैं नहीं खरीदती। और ये ना ऐसे झूमर या जो भी कहते हैं, सच में बाय गॉड मस्त लग रहा था यार। शायद यहाँ मेरे काम का कोई चीज़ मिल जाता, बट मैं तो पास भी जा नहीं पाई क्योंकि बहुत भीड़ था। मैं सिर्फ फोन पकड़ के दूर दूर से ही शूट किया है सब। मेरे माइंड में ही नहीं आया कि शूज भी ले सकती थी मैं, लेकिन कोई ना, वैसे भी यहाँ का अच्छा नहीं होता। ये है मेरे काम की चीज, मैंने यहाँ से तो नहीं लिया था शायद। हाँ, मैंने यहाँ से नहीं लिया था। देख रहे हो भीड़ कितना है, तो मैं जहाँ भीड़ नहीं थे मैंने वहाँ से लिया था, लेकिन लिया था जरूर। मैं आगे आपको बाद में दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में। वीडियो को ना बनाने में और एडिट करने में बहुत टाइम लगा है, तो प्लीज कॉपीराइट मत मानना। चलिए अंदर घुस के देखते हैं कि पारवा मंच के अंदर क्या हो रहा था। तो मैं अंदर गई लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं, फिर मैंने बदल ली अपनी जगह, फिर मुझे दिखे ये लोग, शायद इनका डांस परफॉर्म था। इनका डांस था घूमरा डांस, उसका ही गेटअप किया था इन लोगों ने। ये घूमरा डांस के बिना ना कलाहंडी उत्सव अधूरा सा है, क्योंकि ना घूमरा डांस से कलाहंडी उत्सव का आन बान शान है कह सकते हैं।
तो चलिए मेरे साथ, अब आपको मैं दिखाऊंगी कुछ क्रिएटिव सी चीज़ें। मतलब लोग यहाँ कितने क्रिएटिव है यार, मतलब सब्जियों से देखो कितना कुछ बनाया है यहाँ। ये देखो, सब्जियों से गणेश जी का मूर्ति बनाया गया है। और इसे कहते हैं संबलपुरी साड़ी। यहाँ कलाहांडी में तो ये बहुत फेमस है। यहाँ कलाहांडी उत्सव में ना एक से एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। बट यहाँ मैं पिघल गई थी, फिर भी मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। पता नहीं मैं इन सब के अंदर क्या ढूंढ रही थी, ढक्कन खोल खोल के। अभी और रुकिए, इस ढक्कन को खोलना तो बाकी है। साड़ी तो लेना नहीं है, लेकिन मैं ऐसे चली गई थी और देख रही थी कि कोई समझेगा इसे भी साड़ी लेना है। ये सब सिर्फ मैं वीडियो के लिए कर रही हूँ, मतलब साड़ी देखने गई थी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसे देखने के बाद ना बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई। हम भी वाटर बॉल्स खरीदते थे और उसे फुलाते थे और फिर बार बार देखने जाते थे कि वाटर बॉल्स फूले या नहीं। इन दोनों जगह में ना ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो मैंने इस जगह से कुछ इयररिंग्स खरीद ली थी। वीडियो के एंड में आप सबको देखने को मिल जाएगा। मुझे ना ये पिंक कलर का बैग पसंद आ गया था, लेकिन 250 बताया उसका प्राइस, तो मुझे ज़्यादा लगा तो फिर मैंने नहीं लिया ये भी। यहाँ मैं गई थी कुछ लेने, बट मुझे जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है।
यहाँ जितना भी दूर आपका नज़र जा रहा है ये सारे फूड स्टॉल ही है। लेकिन मैंने खाई तो खाई, क्या खाई, दो कुल्फी जो कि बहुत ही बाहियात थी। खाने तो मैं छोले भटूरे ही गई थी, लेकिन इंट्रोवर्ट होना तो चली आई। कितनी क्यूट है ना ये बच्ची। कुर्सी ले लो, झूले ले लो और मुझे सब्सक्राइब भी कर दो। इन सबको देखने के बाद एक ही शब्द निकला पहले, वाव। और यहाँ मैं खाली हाथ लौट के नहीं आई थी, यहाँ मैंने दो कप लिए थे जो कि मुझे बहुत दिनों से चाहिए थे। और इन सबको देखते देखते ये ले गिर गया, लेकिन टूटा नहीं। फिर मैं इसे खोलने लगी, लेकिन ये खुला ही नहीं। ये ब्लू वाले बैग मुझे पसंद तो आ गए थे, लेकिन किसके साथ पैर करूंगी ये समझ नहीं आया, तो मैंने नहीं लिया। यहाँ ना मैं पहले एक बार गई और तब मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, तो मैं फिर से गई और वीडियो बना के आई। He be like मुझसे ज़्यादा साइनिंग यहाँ कोई नहीं कर सकता। तो मैं बीसी किसी नहीं कहे, मैं खाली ठीक है करेक्शन कर भी जनता सुबह प्रबोध बाबू पहले मैं अभिभक्त कलाहांडी तो जिला रे नुआपड़ा और कलाहांडी रे 5 वर्ष काम कर थी 1995 2000 आओ पाठ पढ़ थी पापा इन्हें जने ये कुछ इवेंट हो रहे थे और मैंने वीडियो म्यूट कर दिया इसलिए क्योंकि कॉपीराइट आ जाती है। लेकिन ये इवेंट भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि भीड़ की वजह से ना सब लोग पागल हो रहे थे, तो इसे भी बीच में से बंद करना पड़ा। और मैं इन सब का वीडियो बना ही रही थी, फिर क्या होना था, मेरा फ़ोन हो गया सोए जब, तो मुझे दूसरे फ़ोन से वीडियो बनाना पड़ा था। मैं सब कुछ एडिट कर चुकी थी और फिर से आके इसे म्यूट किया, कहीं कॉपीराइट लग गया तो।
तो मैं वहाँ तो आइसक्रीम के सिवा कुछ खा नहीं पाई थी, तो मैंने यहाँ खाया थोड़ा सा गुपचुप, और अच्छा भी क्या कुछ नहीं खाया, क्योंकि घर जाके सब उल्टी ही करना होता है मुझे। होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल।